आत्मविश्वास एक महाशक्ति है। जब हम संवेग में विश्वास करना शुरू करते हैं तो जीवन जादुई लगने लगता है। तो हमें हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसे पार करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त। तो हम 5 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। डोज नंबर है अपना 66। आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अंत तक देखने के बाद में है वो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं रीजन बताते हुए। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जर्मनी में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है अपने? वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक है वो चल रहे हैं। ये कौन से ओलंपिक है? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है, जो कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाए थे, अब 2021 में हो रहे हैं। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और आप एक क्वेश्चन हमें याद रखना इम्पोर्टेंट कि मात्र एक बार है वो क्रिकेट को शामिल किया गया था। कब? तो 1900 में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया था गया था, उसके बाद में कभी नहीं किया गया था। और अपना भारत भी है वो टोक्यो ओलंपिक में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अपनी जो एथलीट है उनमें महिलाएं एथलीट हैं वो अपनी झाँक है वो जमा रही है। पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम किया है, और मीराबाई चानू ने रजत मेडल अपने नाम किया था। और अब एक आस ये भी है, महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम है वो भी अब मेडल है वो लेकर आएंगे। देखते हैं कौन सा लेके आते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्होंने रूस के केरेन रवाचारोनोवा को हराया है, वो जर्मनी के है ये। और 1988 के सिहाल ओलंपिक स्टेफी ग्राफ की उपलब्धि की है, बराबरी की है इन्होंने। किसकी उपलब्धि बराबरी की है? तो सिहाल ओलंपिक के स्टेफी ग्राफ की है वो बराबरी इन्होंने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो ईरान के हैं नए राष्ट्रपति बने हैं। किसके बने नए राष्ट्रपति? तो ईरान के मिले बने हैं। और हेती के बारे में मैं आपसे एक बार चर्चा भी की थी, तो वहाँ हेती के राष्ट्रपति को उनके घर में घुसकर है जनता ने मार दिया है, और क्यों मारा है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो ईरान के हसन रूहानी के 8 साल पूर्ण होने के बाद में है ये इब्राहिम राइसी हैं वो अब राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं। और सर्वोच्च नेता कौन है वहाँ के? तो अली खमनेई है। कौन है? अली खमनेई, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, किस बैंक के द्वारा उन्नत सुरक्षा सुविधा सिम बाइंडिंग लॉन्च की गई है? तो ये सिम बाइंडिंग किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है वो SBI के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो SBI के द्वारा है सिम बाइंडिंग लॉन्च की गई है। तो चलिए SBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। कौन है? दिनेश कुमार खरा है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। और 25 में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ये याद रखना। किस राज्य का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला शहर बना है? तो उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर है वो 100% टीके का वाला भारत का पहला शहर बना है। और भुवनेश्वर है वो उड़ीसा के क्या है? तो वो कैपिटल है, और उसमें 100% टीकाकरण है वो कर दिया है, जिसमें लगभग 9 लाख के आसपास है आबादी है। और इसमें वर्ध और 18+ के जितने भी वैक्सीनेशन था वो हो गया है, टीके लगाने थे वो लगा दिए गए हैं, और वहाँ जो रह रहे हैं उनका भी वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। तो उड़ीसा के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। CM कौन है? तो नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। वहाँ पे वेल्लर द्वीप है जिसका नाम उड़ीसा में वेल्लर द्वीप है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है? तो APJ अब्दुल कलाम है वो कर दिया गया है। और मिशन 0F स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और सबसे बड़ा और हॉकी स्टेडियम वो कहाँ बन रहा है? तो वो राउरकेला में मिल रहा है। और चिल्का लेक खारे पानी की झील है वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो वो
नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। किन्हें? नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका कौन से हैं? सिमलीपाल और भितरकनिका है, ये नेशनल पार्क है। अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर है, और अमृत रैंकिंग में कौन से स्थान पर है ये उड़ीसा? तो ये पहले स्थान पर है। अब चलिए इसके बाद थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 है वो सीटें हैं, वहीं 147। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये पीवी सिंधु है, ये बनी है। कौन बनी है? पीवी सिंधु। इसका सही आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा। ये इस बार ब्रॉन्ज मेडल और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल अपने नाम किया था? तो ये सिल्वर मेडल है, ये अपने नाम किया था। और मीराबाई चानू ने कौन सा किया? तो उन्होंने भी इस बार वो सिल्वर मेडल है वो नाम अपने किया है। किस राज्य सरकार ने बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और कल ही मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था कि उन्होंने 3000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की, उन्होंने किसने की थी? तो वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने की थी। और आज किसने घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने की है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। जो कहाँ बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। और करंट के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव और राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। और योगी आदित्यनाथ जी है वो नाम बदलने में माहिर है। अभी चर्चा चल रही है दो रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की, वो उनके बारे में खबर आते ही मैं आपको वो क्वेश्चन है वो लेकर जरूर आऊँगा। तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो सिद्धार्थ नगर है वो कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है वो है रायसन पुन्नावाला बने हैं। कौन बने हैं? रायसन पुन्नावाला है वो बने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा किस जीव की नई प्रजाति मिनवरिया पेंटाली खोजी गई है? तो ये किस जीव की प्रजाति है? तो ये मेंढक की प्रजाति है। किसकी? मेंढक की प्रजाति है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बायोटेक की किस वैक्सीन को WHO के प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया गया है? WHO के द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्रदान कर दिया है। तो किसे किया गया है? तो ये रोटावेक 5D को किया गया है। रोटावेक 5D को किया गया है। ये रोटावेक 5D डायरिया रोकने की में मदद करती है, ये वैक्सीन की तरह ही काम करती है। तो इसको अब WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्रदान कर दिया है। और तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा पहले ही कर दी है, इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ये वह और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते 7% से 28% कर दिया गया है? तो ये किस में कर दिया गया है? तो ये इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, तो आप वो मैं PDF में आपको सही करवा दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वो जम्मू कश्मीर है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है वो हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 17% से बढ़ाकर वेतन भोगियों कितनी कर दी गई? 28% है वो कर दी गई है। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर है, कर लेना। ऑप्शन है इसके जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर कर लेना। और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बन रहा है। और सबसे लंबा काम बन रहा है तो वो कर्नाटक हुबली में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम जिसके तहत राष्ट्रगान का वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। किसके द्वारा? केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय, क्योंकि इस बार बड़े प्रोग्राम है वो नहीं होंगे क्योंकि कोरोना की वजह से। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अनूठी पहल है वो स्टार्ट
की गई है। हाल ही में संसद के द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो वो अंतर्देशीय पोत विधेयक है, पारित किया गया है। सही आंसर क्या है? तो अंतर्देशीय पोत। और ये जगह किसके ले लेगा? तो ये अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का स्थान ले लेगा। अंतर्देशीय पोत 1917 का स्थान ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रख रखाव समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके ओपन डिबेट की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी हैं वो करेंगे। ये कब होगी? तो ये 9 अगस्त को होगी। कब होगी? 9 अगस्त को होगी। LIC राइस सर्विसेज लिमिटेड और किस बैंक ने सहज बाइंड्रेक रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसको सहज ब्राइडेक रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो ये IDBI ने किया है। तो किसने किया है? IDBI ने किया है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन और सीरम इंस्टीट्यूट ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को में टीकाकरण के लिए समझौता किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट आप सबको पता है, वैक्सीन बनाई थी इसमें, एक अपना भारत बायोटेक भी है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये CII के साथ समझौता है वो किया है। ये है लास्ट डोज का क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो है 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता मिली है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आया तो आप कारण बताते हुए कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन है कोई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।